लेक्चर 7 तक आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिए थे, लेक्चर 8 का वीडियो आप लोग को आज अपलोड करेंगे, और आज वाला क्लास वेपर प्रेशर का है ना, और यहीं से वेपर प्रेशर से ही आपको इस चैप्टर स्टार्ट होता है सॉल्यूशन में, है कि नहीं। इससे पहले जो टॉपिक था मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मैलिटी, जो भी पढ़े हैं नॉर्मैलिटी, सब 11 में पढ़ाए हुए थे, है कि नहीं। मेन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर या 2 नंबर या जो भी नॉमरिकल होगा, इसके बाद होगा, है ना। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन एक्चुअली में स्टार्ट होता है कि नहीं, यहाँ से, है कि नहीं। तो आपको जो है इसको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे और एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं। वेपर प्रेशर का थोड़ा सा हिंदी जान लीजिए। वेपर प्रेशर का हिंदी होता है वाष्प दाब, वाष्प दाब, है ना, वाष्प दाब। वाष्प का नाम सब लोग सुनबे किए होइएगा। वाष्प क्या होता है? वाष्प और उसका दाब, नहीं, वेपर प्रेशर, प्रेशर का मतलब दाब, नहीं, वाष्प का दाब क्या होता है? वाष्प का दाब नहीं, वेपर का दाब क्या होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले वेपर प्रेशर जानेंगे, और वेपर प्रेशर को कौन कौन कारक है जो उस पर प्रभाव डालता है, नहीं, वो सब पढ़ेंगे आज। ये टॉपिक रहेगी आज, है ना। उसके बाद कल पढ़ाएंगे आपको वेपर प्रेशर में जब वोलेटाइल सॉलिड डालते तब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डालते तब क्या होता है, नहीं, तो वो चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज चलेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, नहीं, वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। उसके बाद इस वेपर प्रेशर पर कौन कौन कारक, नहीं, कौन कौन कारक जो है प्रभाव करता है, उस पर इफेक्ट डालता है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वेपर प्रेशर जानते हैं क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। इस वीडियो को थोड़ा सा 2-3 बार जो है, मेन आज वाला कॉन्सेप्ट मेन है, ये वाला समझ जाइएगा आज वाला कॉन्सेप्ट, तब आगे आपको समझ में आएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। देखिए तो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में है कि नहीं पानी लिए, पानी, वाटर, इस कंटेनर में पानी को रखें, है कि नहीं। ये जो कंटेनर है खुला नहीं रहना चाहिए, यदि बर्तन खुला रहेगा तो जैसे ही गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, और वाष्प क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, नहीं, तो वाष्प बाहर निकल जाएगा तो कैसे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, नहीं, जैसे ही पानी गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होगा, वाष्प बन के बाहर आ जाएगा, नहीं, तब तो प्रेशर बनेगा क्या, नहीं। तो प्रेशर बनने के लिए, नहीं, इसका प्रेशर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बर्तन को ढकना होगा, ढक देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज, नहीं, ये जो बर्तन होगा कंटेनर, कंटेनर कैसा लेंगे, क्लोज, नहीं। और यहां पर वेपर मेजर करने के लिए, दाब मेजर करने के लिए एक यंत्र लगा देंगे, है ना, और उस यंत्र के द्वारा देखेंगे कि किस तरह से जो है कितना प्रेशर जो है लगाता है, नहीं। तो ये कंटेनर कैसा होगा, क्लोज, बंद, बंद बर्तन लेंगे। थोड़ा सा ही दिक्कत होगा थोड़ा शुरुआत में, उसके बाद फिर आपको समझ में आने लगेगा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए बर्तन जो है एकदम क्लोज होना चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग ऐसे समझिए, जैसे कि गांव में खाना जो बनाते हैं तो या तो जो पतीली होता है उस पर हम ढक्कन या कोई चीज रख देते हैं, ठीक है, ताकि वाष्प बाहर नहीं जाए। यदि वैसे हम ढक्कन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, खाना लेट से बनेगा, नहीं, जो चावल होगा देरी से सीझेगा या कोई खाना, नहीं, गांव, अब वैसे हम लोग मार्केट में जो खाना बनाते हैं कुकर में बनाते हैं, नहीं, कुकर में बनाते हैं तो कुकर में जल्दी खाना बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि वो ढका हुआ रहता है, वाष्प बाहर नहीं जाता है। तो इस तरह से तो बर्तन कैसा होना चाहिए, क्लोज, क्लोज बर्तन होना चाहिए, क्लोज बर्तन होगा तो वाष्प क्या होगा, उसमें बाहर नहीं जाएगा, उसी के बर्तन में ही रह जाएगा। और वही वाष्प जो है यहाँ पर दाब लगाएगा ना, ये जो वाष्प यहाँ से निकल करके इस पे जो
यहाँ पर जो दाब लगाएगा, नहीं ये बर्तन में जो यहाँ पे प्रेशर लगाएगा है ना, या यहाँ पे सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगा नीचे से, इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। सबसे पहले जानिए वेपर मॉलिक्यूल क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल नहीं, तब आपको वेपर प्रेशर बढ़िया समझ में आएगा। वेपर मॉलिक्यूल है कि नहीं, वेपर मॉलिक्यूल जानते हैं, वेपर वेपर मॉलिक्यूल क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल्स है ना, वाष्प मॉलिक्यूल नहीं, वेपर मॉलिक्यूल्स ठीक है, वेपर मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है वेपर मॉलिक्यूल्स, जब पानी गर्म होता है तो गर्म होने के बाद, गर्म होने के बाद तो ये जानना है वेपर मॉलिक्यूल्स होता क्या है। नहीं वेपर मॉलिक्यूल्स होता है जब पानी को गर्म करोगे, तो गर्म करने के बाद पानी का जो मॉलिक्यूल होगा, गर्म होने के बाद कोई चीज क्या होता है, हल्का होता है। नहीं गर्म होने के बाद कोई भी चीज हल्का होता है, हल्का होगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। नहीं तो जो मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद, पानी का मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद जो ऊपर आएगा, नहीं तो गर्म होगा तो हल्का होगा, भारी कोई भी चीज ठंडा होता है ना तो भारी होता है, ठीक है, जब वह गर्म होता है तो हल्का हो जाता है। गर्म होने के बाद उसके उस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल जब गर्म होता है तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, है ना। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बुझते हैं ना, जब मॉलिक्यूल मतलब चलने के कारण जब कोई चीज में गति आता है, एनर्जी आता है, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चलता है या दौड़ता है, नहीं उसके कारण जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो क्या करेगा, ये बर्तन में रहेगा यहाँ पर, नहीं ये मॉलिक्यूल को जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये जो है ये मॉलिक्यूल यहां से जाते जाते कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे, सतह पर। नहीं तो गर्म होगा तो हल्का होगा, नहीं हल्का होगा तो ये कहां सीधे पहुंच जाएगा, सतह पर। गर्म होने के बाद हल्का होगा और कहां पहुंच जाएगा, सतह पर, ठीक है। फिर ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्का होता है, और हल्का होने के बाद कोई भी चीज क्या होगा, ऊपर उठेगा। नहीं लोहा का टुकड़ा गिराओ, एक रुई का टुकड़ा छोड़ो, तो रुई क्या होगा, जो ऊपर में जाएगा ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा, और लोहा का टुकड़ा जैसे गिराइएगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो कोई भी चीज हल्का होने के बाद क्या होता है, हल्का होने के बाद ऊपर आता है, ऊपर। तो जैसे ही ये पानी का मॉलिक्यूल गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्का, और हल्का होगा तो कहां आएगा, सतह पर, है कि नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा, है कि नहीं। या गर्म होने के बाद क्या होता है, जब कोई भी चीज गर्म होगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये दौड़ कर कहां पहुंच जाएगा, सतह पर, स्पीड में, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इसमें स्पीड आ जाएगा ना मॉलिक्यूल में, और स्पीड आ जाएगा तो ये कहां पर आ जाएगा, सतह पर। इस तरह से जैसे जैसे मॉलिक्यूल गर्म होते जाएगा, गर्म होते जाएगा, गर्म होते जाएगा, नहीं तो वो मॉलिक्यूल का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे धीरे सतह पे आके जमा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दौड़ कर यहां से निकल कर कहां चल जाएगा, सतह पे जाके ऐसे नीचे से दबाव लगाएगा, है ना। ये सतह जो है ये पानी का सतह, इस पर क्या करेगा, ये दबाव लगाएगा। फिर एक बार सुन लीजिए, पहले वेपर मॉलिक्यूल जान लीजिए, जो मॉलिक्यूल गर्म होके सतह पे पहुंचता है या सतह के बाहर जाता है उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं वेपर मॉलिक्यूल, या जो मॉलिक्यूल अपना जगह छोड़ देता है। देखिए ऐसा नहीं कि गर्म होने के बाद ही, ठंडा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, नहीं जैसे कोई मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे है, पानी मॉलिक्यूल क्या रहता है, इस तरह से रहता है, या तो इसको और कंप्रेस करोगे तो ठंडा होगा, ये भी वेपर मॉलिक्यूल कहलाएगा, क्योंकि ये पहले जो देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल इस तरह से था, अब सट गया है तो मॉलिक्यूल अपना जगह छोड़ दिया ना, तो मॉलिक्यूल जब जगह छोड़ देता है तो उस मॉलिक्यूल को वेपर कहते हैं, वेपर मॉलिक्यूल, है ना, ध्यान रखना है। तो ये जो है तो ये इस तरह से है, देखिए अभी यहां पर है, जब ये ठंडा होगा तो सट जाएगा, इस मॉलिक्यूल को भी वेपर मॉलिक्यूल कहेंगे, और जब गर्म करोगे, गर्म करने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, भाग जाएगा। नहीं
तो ये मॉलिक्यूल भागेगा, तो ये भी मॉलिक्यूल यहां था तो अब भागेगा तो कहीं यहां पे आ जाएगा नहीं, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर मॉलिक्यूल। वेपर मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल अपना जगह को छोड़ देता है उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं वेपर मॉलिक्यूल। ये सब कॉन्सेप्ट है कि नहीं, समझे कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो पढ़ के कोई फायदा ही नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। नहीं, बहुत बड़ा केमिस्ट्री सिलेबस होता है, उसको याद करना डिफिकल्ट है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको जो है, मान लीजिए कोई ऐसा डिफिनेशन पूछ दिया जो वो कहीं से मैच ही नहीं करता है, तो आप कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो उसको जोड़ जाड़ के लिख दोगे, है कि नहीं? तो समझना सबसे पहले प्रायोरिटी समझने पर देना है, कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो उसको समझा कीजिए, ज्यादा बेहतर है, है कि नहीं? तो जो मॉलिक्यूल अपना जगह को छोड़ता है, नहीं कोई मॉलिक्यूल यहाँ था, अब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, नहीं इसी मॉलिक्यूल को बोलेंगे वेपर मॉलिक्यूल। या कोई मॉलिक्यूल है ना यहाँ पर है, जैसे पानी को हम लोग फ्रिज में डालते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ, तो पानी का मॉलिक्यूल ये होगा और जब बर्फ बनेगा तो सट जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल अपना जगह मतलब छोड़ देता है उस मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, वेपर मॉलिक्यूल। या गर्म होने के बाद है ना बाहर निकलता है उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे, यहाँ जो मॉलिक्यूल पहुंचेगा यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर मॉलिक्यूल, वेपर मॉलिक्यूल, वेपर मॉलिक्यूल। और यही वेपर मॉलिक्यूल जो सरफेस पर, ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स है, ये जो वेपर मॉलिक्यूल सतह पे जो प्रेशर लगाएगा, नहीं ये वेपर मॉलिक्यूल सतह पर जो प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा, नहीं नीचे से क्या होगा ऊपर आते जाएगा, तो ऊपर क्या करेगा, ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है तो ऊपर से भी और ऊपर जाएगा ना, तो क्या करेगा ये सतह पे नीचे से प्रेशर लगाएगा इसे बाहर निकलने के लिए, है कि नहीं? बाहर निकलने के लिए उस पर प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं? और ये जो सतह देख रहे हैं, ये सतह ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है, सतह पे बाहर से प्रेशर लगता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, नहीं एटमोस्फेरिक प्रेशर, जितना भी चीज होता है कहीं भी है ना वहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर काम करता है कि नहीं? प्रेशर एटमोस्फेरिक वातावरणीय दाब, नहीं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर यदि किसी चीज पे नहीं लगेगा, यदि जहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो वहां पर कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वायुमंडल जो हम लोग के चारों तरफ है वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता है, नहीं फिर सुन लीजिए, हमारे चारों तरफ जो हवा है, नहीं हवा क्या करते हैं, क्या करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, नीचे को, तो उसके कारण क्या होता है कि हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं? तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये सतह से बाहर निकलेगा, है कि नहीं? इसके लिए इस प्रेशर को, ये जो सरफेस जो नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा उसको तोड़ना होगा, नहीं तो ये जो बाद में क्या होगा, जैसे ही जितना प्रेशर से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बॉइलिंग पॉइंट में बताएंगे, ठीक ना, अभी थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, जैसे ही ये गर्म होकर यहाँ पे सतह पहुंचेगा तो ये जो प्रेशर लगाएगा आपको, इसी प्रेशर को बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट अभी जो बोल रहे थे इनको हम बॉइलिंग पॉइंट में बताएंगे, है ना, इसी को ध्यान रखें। ये जो मॉलिक्यूल गर्म होगा, गर्म होने के बाद कहाँ पहुंचेगा, सतह पर, सतह पहुंचेगा तो क्या करेगा, नीचे से ऐसे प्रेशर लगाएगा इसे, नहीं बाहर निकलने के लिए, तो ये जो प्रेशर लगाएगा इसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर को वेपर प्रेशर, वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर को क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। अच्छा पूछेगा वेपर प्रेशर होने के लिए क्या होना चाहिए, बर्तन क्लोज होना चाहिए तब तो वो प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं? तो ये जो प्रेशर लगाएगा वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगा, चाहे यहाँ बर्तन पर लगे या यहाँ पर लगे, नहीं इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है, नहीं वेपर प्रेशर जाने के लिए पहले वेपर मॉलिक्यूल जाना होगा। वेपर मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल जो अपना स्थान को छोड़ देता है उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे वेपर मॉलिक्यूल, है ना? और वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर, ठीक है? समझ में आ गया? कैसे होगा, कैसे ये सतह पर जाएगा, जैसे ही गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये क्या होगा, दौड़ के कहाँ पहुंच जाएगा, सतह पर क्या करेगा, नीचे से इसे प्रेशर लगाएगा, इसी प्रेशर क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। यदि यहाँ ये सरफेस को तोड़कर यहाँ भी आ जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा आपको, है ना, ये बर्तन क्लोज है फिर यहाँ प्रेशर लगाएगा, नहीं बर्तन क्लोज है तो बर्तन जो क्लोज है, बंद है बर्तन, तो ये तो बाहर तो निकल नहीं पाएगा, मतलब सरफेस को तोड़ के, सरफेस जो है इसको तोड़ के यहाँ पहुंच गया, तो फिर क्या करेगा, फिर ये जो है यहाँ पे चूंकि बर्तन है तो बर्तन से फिर जो है ना, तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा ये भी होगा वेपर प्रेशर,
इसमें दो चीज और जानना है ना, वेपर प्रेशर होता कब है, ये तो हम समझ गए वेपर प्रेशर हुआ, वेपर प्रेशर होता क्या है, कब होता है। देखिए वेपर प्रेशर होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ही आप एक चीज और जानना पड़ेगा, दो चीज आपको जानना होगा, एक इवोपरेशन होता है, एक होता है कंडेंसेशन, है ना, एक इवोपरेशन है, एक दूसरा होता है कंडेंसेशन, ठीक है ना। इवोपरेशन क्या होता है, देखिए जब मॉलिक्यूल गर्म हो करके, ठीक है, जब मॉलिक्यूल गर्म हो करके बाहर निकलता है, सतह को छोड़कर बाहर निकलता है, तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इवोपरेट, या इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। जब मॉलिक्यूल गर्म हो करके बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन, ठीक है। जब मॉलिक्यूल गर्म हो करके, एक मिनट, जब मॉलिक्यूल गर्म हो करके, तो वो वेपर प्रेशर समझ में आ गया है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बनता कैसे वो समझ में बता दिए, कैसे मॉलिक्यूल सतह पहुंचता है, गर्म होने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना। तो वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। देखिए ये वेपर प्रेशर कब होता है ना, देखिए तुरंत पानी दे, तुरंत पानी को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या पूरा का पूरा वाष्प बन जाएगा क्या, तुरंत सबका सब मॉलिक्यूल थोड़ी सतह पहुंच जाएगा, एक समय आएगा नहीं, जितना टेम्परेचर मॉलिक्यूल को मिलना चाहिए उतना टेम्परेचर मिलेगा, तब जाके वो सतह पे जाके दाब लगाएगा, तब जाके ढेर सारा मॉलिक्यूल सतह पर पहुंचेगा और जाके प्रेशर लगाएगा नहीं। तो इस चीज को जान, देखिए क्या होता है, जब मॉलिक्यूल गर्म होकर सतह को छोड़कर बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन, इवोपरेशन इस घटना को बोलते हैं, इस फेनोमेना का बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। गर्म होने के बाद क्या होगा, सतह से बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवोपरेशन, ठीक है। क्योंकि बर्तन क्लोज है, बर्तन बंद है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद यही मॉलिक्यूल क्या होगा, सबसे पहले ये बंद है, बर्तन बंद है, तो यहां सतह से निकलने के बाद बर्तन के ढक्कन के पास जाएगा, नीचे से दबाव लगाएगा नहीं, तो ढक्कन जब नहीं खुलेगा तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है उसका कम हो जाएगा नहीं, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद आपको पता है, ठंडा होने के बाद कोई होता है मॉलिक्यूल भारी होता है, तो क्या होगा, सीधे नीचे गिर जाएगा। फिर सुनिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि नहीं, फिर सुनिए, जब ये गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होगा, सतह को छोड़कर कहां आएगा, गर्म होने के बाद मॉलिक्यूल सतह को छोड़कर यहां कंटेनर के बर्तन ढक्कन के पास आएगा नहीं, तो ढक्कन के पास आएगा तो ढक्कन में क्या लगाएगा, दबाव, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर दबाव लगाएगा नहीं, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, यानी कि टेम्परेचर ऊपर हाथे जाना था, ऐसा होगा कि कुकर सही से उड़ जाएगा है कि नहीं, तो ये नहीं करना है, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाष्प जो है यहाँ सरफेस से सतह से निकल के कहां जाएगा, ये ढक्कन के पास, फिर यहां से निकल के कहां जाएगा, ढक्कन के पास, ढक्कन के पास, ढक्कन के पास जाएगा नहीं, ढक्कन को नीचे से दबाएगा, नीचे से क्या करेगा, ढक्कन पे इसे दबाव लगाएगा बाहर निकलने के लिए, है ना। जब देखेगा कि नहीं हम नहीं निकल पा रहे हैं, जब वो नहीं निकल पाएगा, चूंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वो नहीं निकल पाएगा, है ना, तो नहीं निकल पाएगा, इसे दबाव लगाते लगाते लगाते, कोई आदमी काम करते करते क्या हो जाता है, उसका एनर्जी घट जाता है ना, उसका एनर्जी घट जाता है। तो वही बात होगा, जब ये क्या करेगा, यहाँ सतह पे बाहर निकलने के लिए ढक्कन में प्रेशर लगाएगा, तो एक समय इसका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा नहीं, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे गया लेकिन यहाँ पे टकराया, तो टकराने के बाद जो है ये चूंकि बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के बाद क्या होता है, वो ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद क्या होगा, फिर उसी बर्तन में पानी की सतह पर जाके गिर जाएगा, ठीक है, पानी की सतह के पास जाके गिर जाएगा, पानी पानी के सतह के पास जाके गिर जाएगा, फिर ये पानी में जाएगा क्या होगा, गिर जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को जब पानी में गिर जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन, 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 है कि नहीं। इधर से गर्म हो करके सतह से बाहर निकलेगा, गर्म होने के बाद सतह से बाहर इस प्रोसेस को बोलेंगे इवोपरेशन नहीं, और वही जब ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद क्या होगा, सतह में जाके जम जाएगा नहीं, सतह होगा कैसे होगा, कैसे होगा बताएं, जब ये गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होगा, ये सरफेस से निकल के कहां आएगा, ढक्कन के पास,
और ढक्कन के पास जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वहीं क्या होगा, ठंडा, और ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर उसी बर्तन में जाके गिर जाएगा, ऐसे फिर से जाके क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना। बाहर निकलने का प्रोसेस इवोपरेशन नहीं, अब फिर बर्तन में जाके गिरने का प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, है कि नहीं, इवोपरेशन कंडेंसेशन, है कि नहीं। जब इवोपरेशन जिस रेशियो से होगा उसी रेशियो से उसमें कंडेंसेशन होगा, वही क्या होगा, वही मॉलिक्यूल सतह से निकल के ढक्कन में जाएगा, टकराएगा, फिर वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, फिर वो ठंडा होकर बर्तन में गिर जाएगा। नहीं, कभी कभी आप जो देखे हुएगा जो कुकर का, जब कुकर आप सिलेंडर पर से उतार दोगे उसके बाद जब ढक्कन हटाओगे तो देखिएगा ढक्कन में जो वाष्प लगा रहता है उसको कुछ देर रख दोगे तो वाष्प कुछ देर के बाद पानी पानी हो जाता है, बूंद बूंद आपको जमा हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही वाष्प पानी बन जाता है, ये गर्म होके कहाँ गया, ढक्कन के पास, और ढक्कन का, ढक्कन से जैसे ही ढक्कन की बंद है तो ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। कोई बॉल को मान लीजिए दीवार ऐसे फेंकेंगे तो यदि वहां पे रोकने वाला मान लो दीवार है तो दीवार से टकराने के बाद क्या होगा, बॉल का गति रुक जाएगा। नहीं, यदि दीवार नहीं रहता तो बॉल क्या होता, आर पार हो जाता, ठीक है। दीवार क्या कर रहा है, बॉल का गति वो रोक रहा है। वही बात है, ये मॉलिक्यूल जब इस ढक्कन के पास पहुंचेगा तो ढक्कन क्या करेगा, ये ढक्कन इसका काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद कोई चीज क्या होता, भारी, तो फिर ये क्या होगा, उसी बर्तन में नीचे की ओर गिर जाएगा। नीचे की ओर जो मॉलिक्यूल गया था बाहर, वही क्या होगा, ठंडा होकर नीचे की ओर गिर जाएगा। तो इस घटना को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। बाहर निकलने का प्रोसेस इवोपरेशन, ठंडा होकर बर्तन में आने का प्रोसेस कंडेंसेशन, ठीक है। तो यही चीज जो है, और ये जब सिचुएशन होता है इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। ऐसा स्टेट जिसमें रेट ऑफ इवोपरेशन, इवोपरेशन का दर किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में ही होता है कि नहीं। वेपर प्रेशर कब होता है, इक्विलिब्रियम में। अब हम लिखाएंगे आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया। इवोपरेशन क्या होता है, गर्म होकर के बाहर निकलने का प्रोसेस इवोपरेशन, और क्या होगा, ढक्कन से टकराने के बाद फिर ठंडा होकर नीचे बर्तन में गिर जाना, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, है ना, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का परिभाषा जानते हैं, ऐसा प्रेशर जो, नहीं, डी प्रेशर विच इज, विच मतलब जो, नहीं, विच इज एग्जर्टेड, एग्जर्टेड का मतलब होता है लगना, ऐसा प्रेशर जो लगेगा किसके द्वारा, वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, समझा दिया है पहले, वेपर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो एग्जर्ट होगा लगेगा किसके द्वारा, वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, कहां पर, ऑन इट्स, अपने, नहीं, अपने लिक्विड सरफेस पर, सतह पर, नहीं बोले ये बर्तन है कि नहीं, क्या बोले थे आप, थोड़ा फिगर पर ध्यान देना है, देखिए क्या बोले थे, फिर से एक बार थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। ये बर्तन है, ये बर्तन में पानी है, नहीं, ये गर्म होने के बाद क्या होगा, सतह पहुंचेगा, गर्म होने के बाद जो सतह पहुंचेगा या अपना जगह छोड़ता है उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, वेपर मॉलिक्यूल्स, नहीं, वो वेपर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के सतह पर, क्योंकि गर्म होगा तो यहाँ पर सतह पाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगाएगा नीचे से ऊपर सतह पर ऐसे प्रेशर लगाएगा नीचे से, ये जो प्रेशर लगाएगा इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर, जो मॉलिक्यूल सतह पर प्रेशर लगाएगा उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, है ना। और स्टेट कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, सॉरी मतलब कौन सा स्टेट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, है कि नहीं, बराबर, है कि नहीं, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको भी थोड़ा जान लीजिए, ऐसा स्टेट जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, ऐसा स्टेट जिसमें रेट ऑफ इवोपरेशन, इवोपरेशन का रेट मतलब ये जो मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का दर है ना बराबर होगा, है कि नहीं, रेट ऑफ इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल गर्म होगा, गर्म होने के बाद क्या होगा,
हल्का, ये जो सतह से बाहर निकलेगा इसे नहीं, ये सतह से जो बाहर निकलेगा इसी इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन। और यही जब क्या होगा, यही मॉलिक्यूल ये ढक्कन से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा उसका टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने पर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद क्या होता है भारी होता है, तो भारी होने के बाद क्या होगा फिर ये इसी बर्तन में नीचे की ओर गिर जाएगा, है कि नहीं, पानी बन के नीचे की ओर बूंद बूंद करके गिर जाएगा, है कि नहीं। तो इस नीचे आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन, है कि नहीं, है ना। तो जब इवोपरेशन रेट मतलब बाहर निकलने का दर, है ना, नीचे आने का दर अंदर आने का दर के बराबर हो जाएगा, इसी स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जिस रेट से मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उसी रेट से मॉलिक्यूल यदि उसी सतह में उसी बर्तन में आएगा, तो इसी मतलब जो है स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसा स्टेट जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन कंडेंसेशन समझ में आ गया नहीं, इवेपोरेशन बाहर निकलने का प्रोसेस और कंडेंसेशन क्या होता है ठंडा होकर जो है फिर बर्तन में गिरने का प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, है कि नहीं। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा इक्विलिब्रियम स्टेट में, है ना, लिक्विड के सतह पर जो नीचे से प्रेशर लगाता है उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब हम लोग जानेंगे वेपर प्रेशर पर कौन कौन कारक है जो प्रभाव डालता है, ठीक है, कौन कौन कारक है जो प्रभाव डालता है, फैक्टर्स, ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोग वेपर प्रेशर ये पूछा हुआ है कि नहीं, पांच नंबर में पूछा हुआ है, पांच नंबर या तीन नंबर में पूछा हुआ है कि नहीं, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, है कि नहीं, आप अच्छे से खाली समझोगे जो बताए समझ जाओगे तो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फैक्टर्स विच इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, फैक्टर्स कारक, नहीं फैक्टर्स का मतलब कारक, कौन कौन कारक है जो इफेक्ट प्रभाव डालता है कहां पर, तो वाष्प दाब पर, वाष्प दाब पर कौन कौन प्रभाव, कौन कौन कारक है जो प्रभाव डालता है। पहले पढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ सबस्टांस या नेचर ऑफ लिक्विड, जो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में तो लिक्विड होना जरूरी है नहीं, लिक्विड जनरली यहाँ पर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, नहीं लिक्विड का नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसका प्रकृति क्या है। आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको सॉल्यूशन बताए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए है ना किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में है ना फोन एलिमेंट होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन को या तो फ्लोरीन से जुड़ा होना चाहिए, फोन मतलब एफ से फ्लोरीन, नहीं ओ से ऑक्सीजन और एन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को या तो फ्लोरीन से जुड़ा होना चाहिए या तो ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए या तो नाइट्रोजन से, नहीं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसमें अंतरणविक बल बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, IMFA, आई से इंटर, एम से मोलिकुलर, एफ से फोर्स, ए से अट्रैक्शन, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन को या तो एफ से फ्लोरीन से जुड़ा होना चाहिए या तो ऑक्सीजन से या तो नाइट्रोजन से, जैसे HF, HF में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन फोन का एलिमेंट फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ट्रिक बता दिए, फोन फोन है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ज्यादा किसी को ध्यान देना है कि नहीं। जैसे SO2 इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सॉरी हाँ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, SO2 इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, फोन का एलिमेंट से नहीं मतलब है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए तब जाकर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, इसका क्या होगा IMFA कम होगा, आई मतलब इंटर लिख देते हैं, इंटर, एम से मोलिकुलर, फोर्स से एफ से फोर्स, और ए से अट्रैक्शन, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा उसका IMFA क्या होगा कम होगा, कम,
आया मेथे कम होगा, ठीक है, इस चीज को जान लेना है ना। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। इस चीज को जानना है नेचर ऑफ लिक्विड का, लिक्विड का क्या प्रकृति होता है। तो पदार्थ जो है दो तरह का पदार्थ हम लोग देखते हैं, कुछ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कुछ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। जैसे पानी, पानी की बात करते हैं, पानी का होता है H2O, तो पानी में क्या होता है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, पानी में H2O जो है H2O में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं H2O जो है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन को फोन से जुड़ा होना चाहिए, है ना। देखो इसमें हाइड्रोजन फोन का एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ना, ऑक्सीजन से, है कि नहीं। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HB है, HB मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका जो है IMFA क्या होगा ज्यादा होगा, IMFA क्या होगा ज्यादा, ये ऊपर की ओर तीर है इसका मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और देखिए जैसे मान लो CO2 की बात करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कम होगा, IMFA क्या होगा कम, नीचे की ओर है तो इसका मतलब कम, नीचे की ओर है कम, ऊपर की ओर ज्यादा है कि नहीं। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा HB उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसमें HB नहीं होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, है ना। इस चीज को समझिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नजदीक मॉलिक्यूल को नजदीक लाना, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा मॉलिक्यूल क्या होता है एक दूसरे का नजदीक आता है, हिंदी में बोलते हैं अंतरानविक बल, नहीं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल को नजदीक लाता है, खींचता है अंदर की ओर खींचता है। जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा उसका वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, वेपर प्रेशर ऑलरेडी घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं मॉलिक्यूल को अंदर खींचेगा, मान लो कोई चीज बाहर जाना चाहता है नहीं, और उसको आप अंदर खींच रहे हो तो क्या होगा उसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा नहीं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं। तो मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कम हो जाएगा, है ना। जब अपनी ओर खींचेगा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है दूर जाना भागना, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा, ऐसे तो खींचेगा तो क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जब मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा कम, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा कम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो कम मॉलिक्यूल सतह पर पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा कम सतह पर पहुंचेगा, और कम मॉलिक्यूल सतह पर पहुंचेगा तो कम दाब लगाएगा, नहीं, एक दीवार को दो आदमी धक्का दे रहा है और एक साथ 10 आदमी धक्का दे रहा है, कहां प्रेशर ज्यादा लगेगा जहां 10 आदमी लगा रहा है, नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो कम मॉलिक्यूल सतह पर पहुंचेगा तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा कम, नहीं, उसका वाष्प दाब क्या होगा कम। ध्यान रखना है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो उसका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, यही सब आता है जेईई मेन सब में, मेडिकल सब का आप एग्जाम दोगे, है कि नहीं। तो इसी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि नहीं, इस चीज को समझना है, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उसको केवल याद कर लीजिए काम चल जाएगा, लेकिन है ना समझ के याद करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, है कि नहीं। तो इसको हम जो है लिखाते हैं आप लोग, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एक चीज जान लीजिए यहां पर, तो पहला कारक है आपका नेचर ऑफ लिक्विड, नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सबस्टांस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको शॉर्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं IMFA, IMFA इसका मतलब होता है आई से इंटर, एम से मोलिकुलर, एफ से फोर्स, एस से अट्रैक्शन, नहीं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं,
वेपर प्रेशर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले बता दिए है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा, नहीं मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कम तो कम मॉलिक्यूल सतह पहुंचेगा तो कम वाष्प दाब होगा, नहीं। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका जो है वेपर प्रेशर उतना कम होगा, इसी को ध्यान देना है ना। जैसे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज लेस देन, कम होगा नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ PH3, PH3 से कम होगा, H2O का वेपर प्रेशर PH3 से कम होगा। कारण क्या है, क्या कारण है इसका, तो कारण है H2O के पास प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O का क्यों कम होता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, नहीं। इसी तरह से सुन समझ लीजिए, एक क्वेश्चन है जो बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सुनिए। आपको जो है ना PDF जो दिए हैं, PDF जो बना के भेजे है उसमें ये उल्टा लिखा गया है, नहीं यहाँ पे मोर दान लिखा गया है, तो आप उसको सही कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एक चीज और जानिए आप लोग कि कुछ और एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे किरोसिन तेल होता है, किरोसिन तेल नहीं, तो किरोसिन तेल सबका जो है ना इसमें जो इसका वेपर प्रेशर होता है कि नहीं, किरोसिन तेल हो गया आपको जो है, इस सबका वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो किरोसिन तेल का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कि नहीं। एक तो ये हो गया, हम लिखा दिया आपको, तो किरोसिन तेल है पूछ देगा किरोसिन तेल का वेपर प्रेशर क्यों कम होता है, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और एक एग्जांपल और थोड़ा सा जानते हैं, तीसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल C2H5OH और H2O में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा, देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें जो है किसका जो है ना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखो H2O जो होता है ना, H2O में चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और C2H5 में केवल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी को ध्यान देना है। कई बार IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, H2O में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, चार, ठीक है, और C2H5 में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, तो इसमें चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, किसके अपेक्षा, इथाइल अल्कोहल के अपेक्षा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है कि नहीं। इस सब चीज में जब दिमाग लगना चालू हो जाएगा इस सब कंसेप्चुअल चीज में, तो आपको जो है बोर्ड में तो अच्छा नंबर अभी करेगा, उसके साथ कंपटीशन भी आपको निकल जाएगा। ये सब समझना है आपको, पूछेगा आपको H2 और इथाइल अल्कोहल में किसका मतलब जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इथाइल अल्कोहल का होगा। क्यों, इथाइल अल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2 में चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम वेपर प्रेशर, नहीं इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम तो ज्यादा, लेकिन इस तरह से जो है इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक ज्यादा तो एक कम, नहीं डायरेक्टली का मतलब एक ज्यादा दूसरा भी ज्यादा, ये इनवर्सली है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये हो गया आपका नेचर ऑफ लिक्विड। अब दूसरा आप लोग हेडिंग दीजिए टेम्परेचर, टेम्परेचर दूसरा पॉइंट है, टेम्परेचर नहीं वेन का मतलब जब नहीं जब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, तब जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज आल्सो इंक्रीज, ये भी बढ़ जाता है, थ्रू विच, यहाँ पर थोड़ा सा इस हो गया, थ्रू विच होगा यहाँ पर, थ्रू विच का मतलब होता है जिससे, ठीक है। जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तब जो है काइनेटिक एनर्जी भी लिक्विड का क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे, थ्रू विच का मतलब होता है जिससे, थ्रू विच जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है बढ़ जाता, घट जाता है, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, घटना,
और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है सुन लीजिएगा थोड़ा सा, फिर समझिए एक बार। जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ाया जाता है तब काइनेटिक एनर्जी जो है लिक्विड का वो क्या हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है, नहीं, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है और वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है देखिए समझिएगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, इसको समझिएगा आप लोग, है ना। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, देखो बार बार हम बोल रहे हैं टेम्परेचर बराबर एक फॉर्मूला होता है 3/T RT स्क्वायर, ठीक है, ये गैसीय स्टेट का फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी है ना, देखो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, नहीं, जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब मॉलिक्यूल चलेगा दौड़ेगा ऐसे, नहीं, तो जब एक टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल तो बाहर निकलना चाहेगा, नहीं, तो बाहर निकलना चाहेगा तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजदीक लाता है मॉलिक्यूल को और काइनेटिक एनर्जी दूर भगाता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजदीक लाता है मॉलिक्यूल को, नहीं है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी दूर भगाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी घट जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो नजदीक लाता है, जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल को दूर लेके चल जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तभी बताया आपको, जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, क्यों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है नजदीक लाना, है ना, काइनेटिक एनर्जी का मतलब दूर भगाना। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, नहीं, और जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो, है कि नहीं, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा, नहीं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये घट जाएगा, और ये घटेगा, नहीं, ये घटेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, नहीं, ऐसे भी समझो, ऐसे उत्ते पे नहीं जाना है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा, ज्यादा मोलिकुल गर्म होगा, और गर्म होने के बाद हल्का होता है, तो ज्यादा मोलिकुल हल्का होगा ज्यादा सतह पे आएगा, नहीं, समझे कि नहीं, तो ज्यादा सतह पे आएगा तो ज्यादा वाष्प दाब होगा। फिर समझिए, जब मॉलिक्यूल गर्म होगा तो गर्म होने के बाद क्या होता है, हल्का होता है, तो जितना ज्यादा गर्म करोगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उतना मॉलिक्यूल गर्म होगा, उतना हल्का होगा, जितना हल्का होगा उतना सतह पर पहुंचेगा, है कि नहीं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता है। कैसे, फिर समझिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, है कि नहीं, वही चीज लिखा हुआ। जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ेगा तब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वही लिखा है। जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ाएगा तब काइनेटिक एनर्जी भी लिक्विड का बढ़ेगा, नहीं, जिससे उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं, यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोलिक्यूल को दूर ले जाना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है नजदीक लाना, ये दूर ले जैसे ही ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ऑलरेडी घट जाएगा, और ये घटेगा तो ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो इनवर्सली है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये डायरेक्टली ये बढ़ने से ये बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली है, इनवर्सली में एक बढ़ता है दूसरा घटता है, नहीं, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट में होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, दो पॉइंट है जो आपको, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर कोई पदार्थ उबलता है कि नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बताओ बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, उसी तरह से, है ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाएंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी।
ये हो गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे कल पढ़ाएंगे, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तब सॉल्यूशन बनता है जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है, नहीं जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको कल डिस्कस करेंगे। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल क्या होता है वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है ना, तो कैसे घटता है तो इसका चर्चा हम कल करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग को जो है ये वाला टॉपिक आप लोग बढ़िया से देखिएगा, है कि नहीं, एक दिन का हम समय देंगे इसको बढ़िया से देखिएगा, तब जाके आपको आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा, है ना। बढ़िया से हम कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बताए हैं, है कि नहीं, इसको समझिएगा। जहां से जो दिक्कत होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप अलग से फोन करके भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा टॉपिक है। और आज के बाद हम कंटिन्यू क्लास डाल कंटिन्यू वीडियो जो है आप लोग को अपलोड करते ही रहेंगे, है कि नहीं। और आप लोग पढ़िए, क्योंकि इसके बाद जो है जैसे ही क्लास वहाँ दरभंगा में स्टार्ट होती है तो आपको जो है ना जहाँ से हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, है कि नहीं, जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं उसके आगे ही पढ़ाएंगे, है कि नहीं। ये नहीं कहिएगा कि जो है पीछे से फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आपको पढ़ा दिए हैं तो उससे आगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम सब चीज़ पढ़ाते जा रहे हैं, है कि नहीं। इसीलिए आप लोग जो है कॉपी एक अच्छे से बनाइए, उसको सब चीज़ को नोट डाउन करते जाइए, बढ़िया से फेयर करते जाइए अच्छे से, है कि नहीं, और उसको याद करते जाइए, ठीक है। और एक और बात बोलना था, जिन बच्चे को असाइनमेंट लेना है नहीं सॉल्यूशन का, तो एक दो दिन और रुक जाइए, है कि नहीं। तो एक दो दिन रुक जाइएगा तो हम क्या कुछ टॉपिक और आपको पढ़ा देंगे, तो और आपको क्वेश्चन बनेगा, है कि नहीं। तो दो दिन रुक जाइए, उसके बाद आप लोग को बताएंगे किस तरह से असाइनमेंट आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से मेहनत कीजिए, बहुत जल्दी ही लॉकडाउन खत्म होने वाला है, क्योंकि केस बहुत रफ्तार में बहुत स्पीड से घट रहा है कि नहीं। तो ऐसा करते जल्दी के लॉकडाउन ये सब खत्म उत्तम हो जाए, ठीक है। पढ़ाएंगे हम लोग वहीं पर पढ़ाएंगे अच्छा से।